हेलो फ्रेंड्स, पितृपक्ष में बात होने से पितृदोष लगता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि बाल और दाढ़ी कटवाने के पीछे कई वजह होती हैं। पितृपक्ष में पूजा पाठ और श्राद्ध के दौरान शरीर की शुद्धता जरूरी होती है। बाल काटने से शरीर की पवित्रता भंग हो सकती है। महाभारत के शांति पर्व, ब्रह्म वेवर्त पुराण और विष्णु पुराण के मुताबिक श्राद्ध के दिन बाल धोने से पितरों को कष्ट होता है, उनका अपमान होता है और उन्हें शांति नहीं मिलती। कई मान्यताओं में बाल या नाखून काटना शोक की चीज या श्रृंगार से जुड़ा माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान ये चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि लहसुन, मांस, प्याज और मदिरा का सेवन, बासी खाना नहीं खाना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, नए कपड़े, सोना चांदी, जेवर आदि इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। वहीं पितृपक्ष में निर्वस्त्र होकर स्नान करने से भी पितृदोष लगता है, क्योंकि वस्त्रों से गिरने वाले पानी को ग्रहण करने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराने से पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भगवद गीता का पाठ भी किया जा सकता है। पितृपक्ष से जुड़ी कुछ और बातें, जैसे कि पितृपक्ष में गंगा में स्नान करने से पितरों को शांति मिलती है और उनके लिए किए गए श्राद्ध क्रम फलदायी होते हैं। पितृपक्ष में हर रोज पूरे घर की सफाई के बाद मुख्य द्वार की सफाई करनी चाहिए और गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। पितृपक्ष में गर्भवती महिलाओं को कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें नॉन वेजिटेरियन खाने से भी बचना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।